फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और अपने अपने लाइफ में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है कि हम लोग अभी बिलोन में हैं, अपने हस्बैंड के ट्रीटमेंट के लिए आए हुए हैं। तो अभी तो ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुई है, पर ब्लड सैंपल वगैरह ले लिया गया है और 2-3 दिन का टाइम दिया गया है। तो आप मेरे वीडियो कंटिन्यू बने रहिए और आगे तक वीडियो देखिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं सबको ही नाश्ता करने के लिए, और नाश्ता में पूरी सब्जी है, वो भी बाहर से मंगाया गया है। तो ये देखिए सब्जी तो कुछ दिख नहीं रही है, पर रस ज़्यादा है। वो भी चना आलू की सब्जी है, काबुली चना की। और इधर मैं पूरी निकाल रही हूँ, तो ज़्यादा प्लेट नहीं है, सो इसलिए हम लोग एक ही प्लेट में सबको ही खा रहे हैं। इधर मेरा बेटा पूरी सो के खा रहा है, इधर टीवी भी देख रहा है, पूरी भी खा रहा है। तो इधर सबको ही नाश्ता कर लिए हैं, सबका नाश्ता हो गया है। अब मैं जा रही हूँ किचन, तो मैं अभी किचन में आ गई हूँ। जा रही हूँ अंडा करी बनाने के लिए। सबका बहुत मन था कि आज मैं अंडा करी बनाऊँ, तो यहाँ जब से हम लोग आए हैं तो ज़्यादातर हम लोग सब्जी चावल ही बना के खा रहे थे। तो जी मैं अंडा बना लूँ, तो मैं इधर अंडा आलू को बॉईल करने के लिए रख दी हूँ। तो इधर अंडा आलू बॉईल हो जाएंगे, इधर मेरे नीचे सब्जी रखी हुई है, आलू रोटी की सब्जी और मेरे राशन पानी बनाने का। यहाँ सब कुछ बना के खा सकते हैं, पर ज़्यादा बर्तन और ज़्यादा सामान नहीं होने के कारण जो आसान होता है उसी को बना लेते हैं। जब तक उधर अंडा बॉईल हो रहे हैं, तब तक मैं इधर प्याज कट कर लेती हूँ। तो इधर मैं प्याज कट कर रही हूँ, इधर मेरे अंडे भी बॉईल हो गए हैं, तो मैं इसे उतार के थोड़े ठंडे पानी से धो लूँगी ताकि छीलने में आसान हो जाए। अंडे ठंडे हो गए हैं, तो मैं इसका छिलका उतार रही हूँ ताकि मैं जल्दी से खाना बनाऊँ, क्योंकि आज अंडा बन रहा है तो सब खाने का इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि जल्दी से खाना बन जाए। तो इधर मेरा अंडा वगैरह सब छिलके रेडी हो गया, प्याज व्याज कट के, तो मैं इसमें थोड़ा सा अंडे में कट कर लगा लेती हूँ ताकि फ्राई करने में आसान हो जाए। और इधर देखिए मेरी बेटी की पागलपन थी, उसे प्यास लगी हुई है, तो वो पानी पीने के लिए आई तो पूरा जार को उठा के पानी निकाल रही है। तो ऐसे में तो पानी भी गिर सकता है, तो देखिए उसको कैसे पानी निकाल रही है, और पानी गिरा भी दी, मेरे किचन को गंदा कर दी। फ्रेंड्स, चलते हैं अंडा कड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरी कढ़ाई कितनी हल्की है, पतली भी है, इसमें कुछ भी मैंने कि बहुत आसानी से फ्राई हो जाती है। तो मैं इसमें तेल डाल देती हूँ, तेल भी इतना फास्ट गर्म हो जाती है कि इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि धुआं आ जाता है। तो मेरा लगभग तेल गर्म हो ही गया है, तो मैं इसमें अंडे डाल देती हूँ, सारे अंडे को एक ही बार में फ्राई कर लूँगी। तो इधर मैं अंडे डाल दी हूँ और इसको चलाते हुए फ्राई करती हूँ। यहाँ मेरी बेटी किचन में आके बैठ के मज़े ले रही है, तो इधर मैं फ्राई कर रही हूँ। तो मेरे अंडे इधर फ्राई भी हो गए हैं, तो मैं इसको निकाल लूँगी। तो इधर मैं इसको अंडे को निकाल रही हूँ, तो अंडे को निकालने के बाद जो कट किया हुआ है प्याज लहसुन मिर्ची तेज़पत्ता वगैरह सब एक ही बार में मैं डाल दी हूँ, तो उसको फ्राई करते हुए। प्याज वगैरह भून गए हैं, तो मैं इसमें आलू डाल रही हूँ, तो आलू को भी थोड़ा सा भून लूँगी, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा इसको भून लूँगी। उसके बाद मैं डाल दूँगी नमक, नमक के बाद उसमें डाल रही हूँ हल्दी, तो मैं अभी हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी के डालने के बाद मैं एवरेस्ट की जो सब्ज़ी मसाले होती है, मेरे पास तो कोई स्पेशल मसाला नहीं है, तो मैं वो सब्ज़ी मसाला ही डाल दी जो डेली की सब्ज़ी बनाती हूँ, तो उसी को डाल दी। उसके बाद मैं डाल रही हूँ कटे हुए 2 टमाटर, तो उसको भी थोड़े से भून लूँगी। उसके बाद थोड़ा सा भूनने के बाद पानी डालूंगी। तो इधर देखिए मेरे बच्चों लोगों को, तो इधर मेरे बच्चे अपने अपने काम में बिजी है, मेरी बेटी मोबाइल देखने में बिजी है और मेरा बेटा टीवी देखने में, क्योंकि यहाँ रह रह के लोग बोर हो गए हैं, तो बस मोबाइल और टीवी देखते रहते हैं। तो मैं फिर आ गई हूँ अपने किचन, तो मेरा सारा भुंजा गया है आलू मसाला वगैरह सब, तो मैं इस पर पानी डाल रही हूँ। अब पानी डाल के थोड़ा सा उबाल आने दूँगी और उसके बाद मैं डालूँगी अंडा। तो अभी मेरे अंडे में उबाल आ गए हैं, तो मैं डाल रही हूँ अंडे। अंडे को अभी ज़्यादा ये नहीं करूँगी, बस थोड़े से गाढ़े होने का वेट करूँगी। जब ग्रेवी अच्छे से गाढ़े हो जाए तो मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे रस गाढ़े हो गए हैं, तो ये भी नॉर्मल गरम मसाले हैं जो मैं सब्ज़ी में डालती हूँ, सब्जी वाले गरम मसाले। तो अब मेरे अंडे भी रेडी होकर तैयार हो गए हैं, तो देखिए मेरे गर्मा गर्म टेस्टी टेस्टी अंडा कड़ी बन के रेडी हो गए हैं। तो अभी मैं इधर बना लेती हूँ चावल, तो चावल के बर्तन रख दी हूँ। तो इधर मैं चावल को जल्दी से धो लेती हूँ, तो चावल को मैं धो रही हूँ, धो के मैं इसमें डाल दूँगी। देखिए मैं मेरे चावल में भी उबाल आ गए हैं, लगभग पक ही गए हैं, तो मैं इसे उतार दूँगी। तो अब मैं इसको उतार देती हूँ, उतार के इसका पानी निकाल लेती हूँ। तो इधर मैं पानी निकाल रही हूँ, उसको पसा रही हूँ,
तो इधर मेरा खाना बन के रेडी हो गया है, तो मैं सबके लिए खाना निकाल रही हूँ क्योंकि सब खाने का वेट कर रहे हैं, तो मैं इधर जल्दी जल्दी खाना निकाल रही हूँ। मेरे इधर गर्मा गर्म अंडा चावल रेडी हो गए हैं, तो मैं सबके लिए इधर निकाल दी हूँ। तो देखिए हम लोग इधर ही खाना खाते हैं क्योंकि बाहर में ये दिया हुआ है स्टैंड, तो हम लोग सब कोई बाहर में ही ऐसे बैठ के खाते हैं। ये बीच वाला मेरा खाना है, तो मैं अपने बाबू के साथ खाऊंगी, उसको भी खिलाऊंगी और मैं खुद भी खाऊंगी। तो मैं इधर अपने बाबू के साथ बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए, इधर बाबू को भी खिला रही हूँ और मैं भी खा रही हूँ। तो अब खाना हो गया है, तो मैं जल्दी से बर्तन धो लेती हूँ। तो मैं इधर बर्तन धो रही हूँ। सो फ्रेंड्स, हम लोग खाना वाना खा लिए हैं और मेरा काम भी खत्म हो गया। ऐसे तो यहाँ ज़्यादा काम है नहीं कुछ भी, बस ऐसे ही खाना पकाना ही। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।